नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंगेस्ट्रो में। और दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे हाथों पे बनने वाले अल्फाबेटिक वर्ड एच के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी हद तक आप लोग अनभिज्ञ हैं, आप अपने इसके बारे में आज तक जाना भी नहीं होगा, इसके बारे में कहीं कोई ज़्यादा उल्लेख भी नहीं मिलता है। लेकिन ये व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर ऐसी स्थिति व्यक्ति के हाथों पे बनती है तो उसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली सूचक है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में आज आपको मैं विस्तार से बता दूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे छोटी उंगली के नीचे से हमारी एक रेखा निकलती है जिसे हम हॉट लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक रेखा निकलती है आपके जुपिटर के सबसे निचले क्षेत्र से जो आगे तक जाती है, इसे हम कहते हैं हेड लाइन यानी मस्तिष्क रेखा, और ये ऊपर वाली हो गई हृदय रेखा। दोस्तों, इसके मध्य बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं जिससे व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ पता किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम मैं आपको बताता भी रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर क्रॉस यानी एक्स अल्फाबेटिक वर्ड आ गया तो उसका व्यक्ति के जीवन पे क्या प्रभाव है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, उससे उन्हें क्या मिलना है, इसके बारे में आप जानते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर कोई आइसलैंड आ गए, इसके अलावा डबल क्रॉस ट्रिपल क्रॉस आ गए, इसके अलावा कोई शनि का चिन्ह आ गया, मंगल का चिन्ह आ गया, तो उससे आपने क्या मिलना है, इसके बारे में आप जानते हो। लेकिन यहाँ पे जो ये अल्फाबेटिक वर्ड एच बनता है उसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में आपने अभी तक मालूम नहीं है, अनभिज्ञ हो आप। तो इसी के लिए मैं आ जाया हूँ, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप लोग इसके बारे में बेहतर तरीके से जान सके कि ये एच क्या है, इसका क्या प्रभाव है, इसका होना आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है, ये कब आता है, किस परिस्थिति में आता है, और कितनी अवस्था में ये हो, कितनी विकसित हो, तो इसे हम पूर्ण एच मानेंगे। तो दोस्तों, इन सब का जवाब है कि जब भी आपके हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा यानी कि हॉट लाइन और हेड लाइन, इन दोनों के बीच स्वतंत्र रूप से यानी कि अगर कोई फिट लाइन यहाँ से यहाँ तक निकली है और उसने इसे क्रॉस किया है तो उसे आप नहीं जोड़ना है। ठीक है ना, फिट लाइन को बिल्कुल नहीं जोड़ना है, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अकेली रेखा होगी जो कि आपके हेड लाइन से हॉट लाइन के बीच में चल रही होगी, गति कर रही होगी। एक तरीके से आप मान लो जैसे कि बीच में ना कोई समुंदर बह रहा है और ये इस तरफ किनारा है और बीच में फ्लाई ओवर है। ठीक है, बस सिंगल एकदम स्वतंत्र, ठीक है ना, किसी का सहारा इसे नहीं है। बस उसी तरीके से ऐसी अगर कोई बॉम्बी हो, ऐसी अगर कोई पुल हो जो नज़र आए, जो वहाँ पे बस इस रेखा को इस रेखा से जिसने मिला दिया हो काफ़ी मजबूती से, और इसने ना इस तरफ कोई किसी रेखा का सहारा लिया हो ना इस तरफ लिया हो, तो ऐसी स्थिति 100% एच की स्थिति होती है, एच फॉर हीरो। ठीक है, तो जब एच की ऐसी स्थिति बनती है तो व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आते हैं। दोस्तों, जब भी एच की ऐसी स्थिति बनती है, सीधा सा इशारा करती है कि व्यक्ति का शुरुआती जीवन बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय है। ठीक है, एच की स्थिति जैसे ही बनती है, व्यक्ति का ऑलमोस्ट किसी भी जातक का, किसी भी मनुष्य का ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक का उनका जीवन काफ़ी स्ट्रगल वाला होता है। ये अलग बात है कि उनमें खूबियाँ बहुत सारी होती हैं, उनके पास ना कुछ अजीब तरीके के, कुछ ना कुछ अलग और उससे हट के उनके हाथ में हुनर होते हैं, उनके दिमाग में समझ होती है, वे चीज़ों को अलग तरीके से परखते हैं। लेकिन ऐसे लोग 40 ईयर्स तक भटके हुए होते हैं, 40 ईयर्स तक उन्हें वो सहारा नहीं मिलता जिसके वो लायक हैं, उन्हें वो नहीं मिलता जो कि वो डिजर्व करते हैं। 40 ईयर्स की उम्र तक वे बस खोजते रह जाते हैं कि मेरे लायक क्या सही है, लेकिन उन्हें कहीं कुछ सही नहीं मिलता और लोग उन्हें दूसरी निगाहों से देखने लगते हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं, जबकि वास्तविकता ऐसा कुछ नहीं है। असफल वही हुआ है जो कि अपने लिए बनाए हुए जगह पे आज तक नहीं पहुंचा। ठीक है ना, सब दुनिया में जो भी व्यक्ति है ना, सब सफल होने के लिए ही आए हैं, और सब में कुछ ना कुछ है ही। अगर कोई असफल हो गया है आपसे बहुत कम नॉलेज रख के, बहुत कम बुद्धि रख के, तो समझ लो कि उसके लिए जो कैडर फिक्स था ना वो वहाँ पहुँच गया है। जैसे कि सही नट में सही बोल्ट डालोगे ना तो एकदम टाइट फिटिंग होगी, और वही नट दूसरा है और बोल्ट दूसरा लगा दोगे तो लूज रह जाएगी। तो बस वही है, आपने अपने लिए सही नट खोज लेनी है। जिस दिन आपने खोज लोगे ना उस दिन आप एकदम टाइट फिटिंग हो जाओगे, उसके बाद आपने पता चल जाएगा कि क्या हूँ मैं। ठीक है, तो राइट पैलेस राइट पर्सन के लिए मिलना जरूरी है। आप राइट पर्सन हो लेकिन राइट पैलेस नहीं है तो आप अपना टैलेंट नहीं दिखा पाओगे, दुनिया की नज़र में लूजर ही रह जाओगे। कुछ दिन करते करते खुद की नज़र में भी लगेगा कि शायद सही में मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, आपके पास तो टैलेंट भरे पूरे हैं, सब कुछ है आपके पास, आप सही जगह नहीं ढूंढ पा रहे हो, सही जगह नहीं पहुँच पा रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। कैसे आ जाती है जानते हो, कैसे करना है इसे?
कुछ नहीं करो यार, बस दो पेपर ले लो, ठीक है, दोनों के आगे पीछे, बस वहां पर बैठ के लिख लो कि मुझ में क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, एक पे सारी पॉजिटिव बातें लिख लो बस। बट ये होना चाहिए ना कि पूरी ईमानदारी होनी चाहिए तुम्हें, इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि खुद से कम झूठ ना बोलो, खुद की नजरों में ना गिरो, ठीक है ना। खुद की नजरों में बचो रहोगे ना तो सबकी नजरों में आ जाओगे, ऊपर आ जाओगे। खुद की नजरों में गिर जाओगे ना कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि दुनिया क्या देखती है, मैं खुद को कैसे देखता हूँ, मैं खुद को कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई आवश्यकता नहीं कि दुनिया ने मुझे किस किन नज़रों से देखा, उनकी नज़रें हैं जी, बदल जाएंगी, मौसम की तरह है उनकी नज़रें। बरसात आएंगी तो बरसात भी देखेंगे, गर्मी आएगी गर्मी भी देखेंगे, ठंड आएगी ठंड भी देखेंगे। इसलिए आप उनके चक्कर में पड़ो ही मत, वे किसी भी हाल में ताली ही बजाएंगे। आपने देखनी है, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है। कैसे बढ़ेगी? दो पेपर ले लो, एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव थॉट्स लिख दो, मेरे में क्या निगेटिव है क्या पॉजिटिव है। ईमानदारी से लिखना, अपने आप सब कुछ लिख दोगे जो तुम में कमी है, जिस कारण तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जैसे ही कमी निकल के आ जाए ना, उस पर बस टिक लगा के एक करके काम शुरू कर दो कि कैसे एक एक करके मैंने इसे खत्म करना है, और जो पॉजिटिव है उसे बढ़ाना शुरू कर दो। और देखो, समय नहीं लगेगा दोस्त, सही बोल रहा हूँ, 1 से 2 से 3 महीने में तुम उस पर विजय प्राप्त कर लोगे, सक्सेस तुम्हें मिल जाएगी, और जो तुम चाहते हो ना उसकी तरफ बढ़ जाओगे, और तुम्हें वो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो बस खुद पे भरोसा करो और वो कर दो, तुम कर सकते हो, तुम करने के लिए ही पैदा हुए हो, करने के लिए ही आए हो, और करके ही मानोगे, मैं तो बस ये जानता हूँ, ठीक है। बस एक बार खुद को जान लो, खुद को जान लो कि तुम हो क्या, कहाँ के लिए बने हो, गलत जगह पे यार घूम रहे हो, अभी तक नहीं मिले ना कुछ, गलत जगह पे हो, तुम में कोई कमी नहीं है, जगह में कमी है, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं, तुम कुछ और डिजर्व करते हो, पर तुम गलत जगह पे पहुंच गए हो। खुद को पहचानो, वापस रिकवर करो, सही जगह ढूंढो, पहुंचो और अपने आप को साबित कर दो, दुनिया इंतजार कर रही है, सच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे अगरेज की स्थिति बनती है, मतलब आप अपने संघर्षों से, ये जो समय है, आप हाथ की रेखाएं हैं दोस्तों, कभी भी बदल जाती है, ठीक है। आपने अगर खुद को पहचान लिया तो इससे पहले भी बदल जाएगी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ यहाँ पे है तो उसका व्यक्ति के जीवन में इतनी उम्र में ही होना है, ये है तो और अच्छा है, पहले भी बदल जाएगी, यहाँ पे पहले से बनी हुई तो और अच्छा, वहां तक जाते जाते और भी ज्यादा तुम्हारा नाम हो जाएगा, और भी ज्यादा तुम्हारी इज्जत हो जाएगी। इन दोनों के मिलने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है हट रेखा, यानी ममता प्रेम विश्वास भरोसा, इन सब चीजों पर आपकी विजय प्राप्त होती है। ममता प्रेम भरोसा विश्वास वात्सल्य, ये सब चीज सारे सद्गुण आपके जीवन में उतर आते हैं। आप पर लोग भरोसा करते हैं, आपसे लोग प्यार करते हैं, आप दूसरों पर ममता रखते हो, आप दूसरे को प्यार देते हो। मस्तिष्क रेखा, आप सबके बारे में सही चीज सोचते हो, आप में वात्सल्य है, आप में सही बुद्धि है, आप दूसरे की बुद्धि से नहीं चलते, आप खुद सही चीजों को पकड़ के उसके अनुसार कार्य करते हैं, ये सब आप में खूबियां हैं। और जब दोनों लिंक हो जाती है तो व्यक्ति महान बन जाता है, उसमें पता चलता है, वो प्रभु से मिल जाता है, उसको पता चलता है कि उसमें क्या खूबियां हैं, उसकी खूबियां उजागर होने लगती है, उससे उसके समाज को, उसके सोसाइटी को, उसके देश को, उसके दुनिया को फायदा होने लगता है, उसके बाद वो व्यक्ति बुद्धिजीवी वर्ग में आ जाता है। ऐसे ही नहीं हो जाती है यहाँ पे, इसके लिए एच वाला बनना पड़ता है, हीरो बनना पड़ता है। और हीरो कौन है? जो कि खुद की नजरों में हीरो है, ठीक है ना। दुनिया अपने हीरो मानती है, वो बस दिखाने के लिए, पीछे वो क्या बोलती है सारे लोग जानते हैं। खुद की नजरों में हीरो बनो। हीरो का मतलब मैंने आपको समझा दिया, हीरो कब बनते हैं लोग, ठीक है। तो ये निशान अगर यहाँ पे आ जाए ना, तो व्यक्ति के लिए फिनेंशियली सोशियली हर एक जगह से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं उसके जीवन में। उसे पता चलता है कि दुनिया क्या है, पैसे क्या है, परिवार क्या है, सब कुछ उसके जीवन में ऐसे आते चले जाते हैं ना, जैसे कि बस सामान्य रूप से कहीं अगर कोई नदी है उसका थोड़ा सा किनारा तोड़ दो तो दूसरी तरफ पानी आना शुरू हो जाएगा। बस उसी तरीके से आपने बस अपनी हिचक तोड़नी है, आपने बस अपनी कुंठा तोड़नी है, फिर देखो ना क्या आता है, कैसे आता है, किस तरीके से आता है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि आपके लिए कितना रखा हुआ है, बस आपने जो मेड़ है ना, जो किनारा है उसे और मजबूत करके रखा है। थोड़ा सा किनारे को तोड़ दो ना, फिर देखना सामने वाला जो समुद्र था अब यहाँ पे होगा, ठीक है। भरोसा करो खुद पे, रेखाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हें बस एक ही मौका मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा।
साबित कर दो। मिलते हैं फिर।